जो भारत ने हमारा जो एक वेन्यू हमारे लिए डिसाइड किए हैं वो हमें जनाब उन्होंने खाई में गिराने की कोशिश की है, और मैचेस शुरू होने से पहले ही जनाब हमें जो कंपटीशन है और उससे आउट करने का प्लान जो है वो भारत तरतीब दे चुका है। दोनों के दोनों शेड्यूल फंसे हुए हैं, आईसीसी का भी और नो डाउट इंडिया ने इस हाइब्रिड मॉडल को मंजूर करने के लिए बातें अपनी बहुत मनवाई है। स्पेशली वेन्यूज का जो अब दोबारा रोला पड़ गया ना, मैं उस वजह से बड़ा मैं वो कंफ्यूज हुआ हूँ। इंडिया नहीं जाएंगे से इंडिया जरूर जाएंगे का सफर जो है वो चुटकियों में तय करने वाले पीसीबी ने अब नया जो है वो ड्रामा शुरू कर दिया है कि हमने यहाँ पर नहीं खेलना, अगर आपने खिलाना है तो फिर हमारे जो मैचेस हैं उनको स्वैप किया जाए, यानी कि बेंगलुरु में हमें अफगानिस्तान के खिलाफ खिलाया जाए और जनाब जो चेन्नई का स्टेडियम है वहां पर हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया जाए। पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलने की इजाज़त नहीं दी है, और आज भी संडे का दिन तकरीबन गुजर चुका है और अभी तक वर्ल्ड कप के स्केड्यूल का ऐलान नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज गोइंग टू मच नाउ, मतलब ये अब हद से ज्यादा है, अब आपका हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट हो गया है। जानबूझकर पाकिस्तान का जो मैच है वो शेड्यूल किया गया ताकि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के भी हाथों हारे। अहमदाबाद का तो पहले ही कह रहे थे कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, बाद में बोला कि हमने कभी बोला ही नहीं कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, लेकिन अब चेन्नई और बेंगलोर में भी खेलने से पीसीबी ने इनकार कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, आप लोगों का स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज स्पेशल के एक और वीडियो में। दोस्तों यदि बात किया जाए भिखारिस्तान मुल्क पाकिस्तान की तो उसकी तो भीख मांगने से पेट ही नहीं भर रही है। इतनों दिनों से वो एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल को लेकर भीख मांग रहा था, जब उसको भीख में 4 मैच मिल गए उसके बाद अब उसने एक नया विवाह शुरू कर दिया है। भारत ने जो डेमो शेड्यूल आईसीसी को सौंपा था उसको देखकर सभी देश के क्रिकेट बोर्ड ने सहमति जताई है, लेकिन एक भिखारिस्तान ही ऐसा है जो इससे असहमत है। भिखारिस्तान का कहना है कि हम लोग चेन्नई और बेंगलुरु के पिच पर नहीं खेलेंगे क्योंकि चेन्नई में भिखारिस्तान का मैच अफगानिस्तान से रखा गया है और बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया से। भिखारिस्तान का कहना है कि हमें चेन्नई में स्पिन ट्रैक पे किसी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से मैच करा दिया जाए और बेंगलुरु में अफगानिस्तान से। कुल मिला के भिखारिस्तान ये डिमांड करना चाहता है कि हम बिना कोई टॉप क्लास के मैच खेले ही सेमीफाइनल में पहुंच जाएं। इस वक्त भारत के अंदर जो बेंगलुरु के अंदर चेन्नई स्वामी स्टेडियम है उसको बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है, उसको बैट्समैनों की जन्नत कहा जाता है। ये क्लेम कर चुका है कि जनाब दुनिया का कोई भी बैट्समैन जो है वो चाहता है कि जनाब मैं एक इनिंग जो है ना वो बेंगलुरु स्टेडियम में जरूर खेलूं ताकि मैं अपना जो स्ट्राइक रेट है और अब बड़े बड़े छक्के मार के बता सकूं कि मैं तो बड़ा बिग हिटर हूं। और बड़े छक्कों के पीछे की कहानी यह है कि जनाब आन जाती है और ऑफ साइड पर भी यही है, 50 से 55 मीटर की बाउंड्री है, और स्ट्रेट की बात की जाए तो स्ट्रेट पे 60 से 65 मीटर की बाउंड्री है, और बैक की बात की जाए तो वो भी 60 से 65 की बनती है। सो जब बाउंड्री की डायमेंशन ये है तो ये तो जो बैट्समैन है उनके लिए बैटिंग पैराडाइज बन जाती है, जबकि दूसरी जानब यहां पर देखा जाए तो ये जनाब जो पिच है वो बॉलर्स के लिए भी फ्रेंडली नहीं है, एक तो डायमेंशन की वजह से, दूसरा इस पिच के अंदर जान ही नहीं होती। और आईपीएल के अंदर भी ये देखने को मिला था कि जनाब जो बेंगलुरु के अंदर जब आरसीबी के होम मैचेस थे तो उनमें जो टीमें थी उन्होंने बड़े बड़े स्कोर किए थे। सो यहां पर पाकिस्तान का मैच रख दिया गया ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो ऑस्ट्रेलिया जिनके पास हार्ड हिटर्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जिनके पास बॉलर्स अच्छे नहीं है, जिनके पास स्पिनर अच्छे नहीं है, जिनके फास्ट बॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी क्वालिटी के नहीं है, वहां पर मैच रख दिया कि जनाब ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि इनको नजर आ रहा था कि पाकिस्तान जो है वो तो बॉलिंग फ्रेंडली पिच हो या जिसकी डायमेंशंस बड़ी हूं वहां पर तो जनाब कोई भी नॉन नेशन टीम हो उसको रगड़ा लगा देगी। सो इसी वजह से पाकिस्तान के लिए चांसेस इस मैच में इंतहाई कम कर देंगे। अहमदाबाद का तो पहले ही कह रहे थे कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, बाद में बोला कि हमने कभी बोला ही नहीं कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, लेकिन अब चेन्नई और बेंगलोर में भी खेलने से पीसीबी ने इनकार कर दिया है और यह कहना है कि हमारे जो मैचेस हैं उनकी वेन्यूज को चेंज किया जाए। और इसकी वजह बिल्कुल हैरान कुन वजह मुझे सामने आई है, जो यार बच्चों वाली वजह है, बच्चों वाली चीजें जो आप पीसीबी कर रहा है। आप देखें अहमदाबाद में आपने बोला कि हमें जो है सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और बाकी बहुत सारी बातें बोली, लेकिन अब बेंगलोर और साथ में जो है वो चेन्नई में भी जो है पीसीबी को मसला है। और मसला यह है कि पीसीबी ये कह रहा है कि जो ओवरसीज टीम है यानी कि जो सेना कंट्रीज की टीमें हैं उनके खिलाफ हम जो है वो टर्नर पे खेलेंगे और जो एशिया की नॉर्मल टीमें हैं उनके खिलाफ हम जो है वो फ्लैट ट्रैक पे खेलेंगे। जब आप एक इतना बड़ा इवेंट यानी कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं आपको तैयारी करनी चाहिए कि आपको फ्लैट ट्रैक भी खेलने को मिलेगा, आपको टर्नर भी मिलेगा, आपको ऑस्ट्रेलिया वाले भी मिलेंगे, आपको अफगानिस्तान वाले भी मिलेंगे। आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि हमने जाना है भाई, परफॉर्म करना है और जीत के आना है।
ये कोई सीरीज नहीं है या फिर आप होस्ट नहीं है कि आपकी मर्जी से आपको कोई भी वेन्यू जो है वो दे दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और ये तो बचकाना सी बात है, आपने क्या तैयारी की हुई है? आपको जब मालूम भी है कि भाई जाओ टर्नर भी होगा, फ्लैट पिचेस भी होंगे, आपने इसी के हिसाब से तैयारी करनी है। यही बात है कि आपको 5 मंथ पहले पता चल गया है कि आपके मैचेस की आपका वेन्यू जो क्या होगा, फिर आप तैयारी करें उस हिसाब से, ना कि आप जो रोना धोना डाल लें कि हमने इधर नहीं खेलना है, हमने उधर नहीं खेलना है। कि यार आप पागल है, आप बचकाना सोच के मालिक है कि क्या हो गया, कोई किसी और को कोई मसला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को मसला नहीं है, उनको आप जहां खिला लें, इंग्लैंड को मसला नहीं है, वर्ल्ड कप आप खेलने जा रहे हैं। वर्ल्ड कप क्या होता है, पूरी दुनिया की 10 टीमें होंगी, ठीक है, और वहां पर अगर देखें तो दुनिया की बेहतरीन टीमें ही होंगी, जो बेहतरीन नहीं है वो वर्ल्ड कप खेल ले रही है। फिर आप ये कह लें कि हमें जो टर्नर पे नहीं खेला जाएगा या फ्लैट पिच पे नहीं खेला जाएगा, तो ये तो बचकाना सी बात है। क्रिएट हो रहा है और आगे पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि बी प्रोफेशनल यार, ऐसे कभी भी नहीं होता। ये जिसको कहते हैं ना, अब दो इवेंट, एक पाकिस्तान के अंदर और एक इंडिया के अंदर, तब भी क्रिएट हो ले, इससे पहले किसी और मुल्क में कोई इवेंट होता है ना तो वहां पे ऑलरेडी सब कुछ आपके पास पहले ही होता है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का रोल है जो सारी क्रिकेट खराब हो रही है यार, ये दोनों तरफ से ना इसको खत्म होना चाहिए। वैसे ऐसे मजा भी खराब होता है, मजा क्रिकेट होता है। अब हाइब्रिड मॉडल में देखते हैं कि क्या शेड्यूल निकलता है, क्या किस तरह आते हैं मैच। अगर तो भाई सुपर फोर का मैच हुआ ना तो मैं देखने का, मजा आएगा देखने का, बड़ा मजा आएगा। लेकिन साथ कवरेज भी तो करनी है, कवरेज भी करनी है, ये भी तो है, एशिया कप की कवरेज है। अब हमारे तो वहाँ पे नेट भी बंद किए होते हैं, नेट भी बंद होता है, नहीं नेट बंद नहीं होता, वो मोबाइल इतने ज्यादा वो स्टेडियम में एक टाइम होते हैं, वीडियो बहुत स्लो की होती है, नेटवर्क नहीं चलता उस टाइम, वो खड़े भी तो नहीं हो रहे थे ना, मतलब वीडियो के शूट करे, ये भी तो बात है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा कि भिखारिस्तानियों का कहना है कि हम लोग चेन्नई में नहीं खेलेंगे, बेंगलुरु में नहीं खेलेंगे, भारत हमारे साथ साजिश कर रहा है, भारत अफगानिस्तान से पहला मैच रखकर हमें पहले से ही बैकफुट पे ढकेलना चाह रहा है, हम लोग अफगानिस्तान से चेन्नई में हार जाएंगे। दोस्तों ये वही भिखारिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिसका हमेशा कहना होता है कि हमारे खिलाड़ी अव्वल दर्जे के, हम कहीं भी जीत सकते हैं, भारत हमसे हार जाएगा इसलिए नहीं खेलता। आज जब भारत में खेलने की बारी आई है तो साले ये रोना रो रहे हैं कि हम लोग तो अफगानिस्तान से हार जाएंगे। अब की बड़े बड़े भाषण पता नहीं कहां बत्ती बना के डाल लिए हैं, इतने दिन से चिल्ला रहे हैं हम तो भारत से जीत जाएंगे, भारत हमसे हार जाएगा, भारत हमसे नहीं खेल रहा है, अभी सालों की ऐसी नौबत आ गई है तो अफगानिस्तान से खेलने से डर रहे हैं। तो दोस्तों पूरा मामला यही है कि नजम सेट्ठी का कहना है कि हम लोग भारत में खेलेंगे लेकिन अपने हिसाब से वेन्यू पर खेलेंगे, ना कि बीसीसीआई द्वारा। दोस्तों मैं ये सब देखने के बाद अब यही कहना चाहता हूं कि बीसीसीआई को भिखारिस्तान के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये भिखारिस्तान बिल्कुल भीखमंगों की तरह अपनी मनमानी कर रहा है और अपनी मनमानी मनवाना चाह रहा है, इसको तो वर्ल्ड कप से ही बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। दोस्तों आप लोग भिखमंगों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।